ये क्या डेंगू को जिंदा करने वाला स्प्रे है? Trust me, I will be back. Welcome to public. चीज को कहते हैं मोहसिन अब्बास हैदर, और इस चीज को कहते हैं ज़ोहा तौकीर, और उनको कहते हैं फलक बट, और इसको क्या कहते हैं? नर्मिनेटर. मैं जरा नरम मिजाज का हूँ, नर्मिनेटर. नर्मिनेटर हूँ. ये नहीं हूँ, ये है. ये तो हमारे चौधरी बदबख्त है, इनको हम सब जानते हैं. सब दिलों की धड़कन चौधरी बुलंद बख्त. उड़ाए भी ना कह दी. अस्सलाम वालेकुम. अखे माया नर्मिनेटर. हाँ. और शक्ल से तो ठरकी लेटर लग रहे हो. समझ गया, चौधरानी ने शिकायत की है. टर्मिनेटर, आप तो मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स थे, ये आपको क्या हो गया है? अरे लोगों का ना सॉफ्टवेयर अपडेट होता है. इनके सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया. हमारा टर्मिनेटर किसी वायरस से कम है के. मैं ही मिस्टर वर्ल्ड था. मैं ही मिस्टर यूनिवर्स था. लेकिन आजकल जरा शुगर है और मुझ पर बहुत सारे वार हुए. महंगाई का वार, पेट्रोल का वार, डीजल का वार. हालात यूं हो गए. ये तो ढीठ हड्डी है ना, इस पर कोई असर नहीं होता. मैं कह चौधरी मोहसिन, पाकिस्तान में जिस दूसरे बंदे को देखो वो यही कह रहा होता है, शुगर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. ओके. क्या बात है, ये जुए चल रही है, मार दूं. लेकिन जोक्स अपार्ट, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ियाबतीस यानी कि शुगर के मरीजों की तादाद 30.8% हो चुकी है. और मत भूलिए कि ये वो लोग हैं जिनको डायग्नोज हुई है. बहुत से लोग बेखबर फिर रहे हैं इस बीमारी से अब तक. चौधरी मोहसिन, हाँ जी यार, मेरा भी वजन गिरता जा रहा है. हाँ. चेहरे पे ज़ोफ आ रहा है. हाँ. और टांगों में दर्द रहता है. भाई कहीं मेरा शुमार भी तो उन 30% लोगों में तो नहीं हो गया? नहीं 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 सर साहब, आपको शुगर नहीं है. हाँ. आपको बवा शुगर है. हाँ? यार एक बात बताऊं, ये कह रहा है मेरा वजन गिरता जा रहा है, हालांकि कल चौधरानी ने मुझे बताया ये मेरी नजरों से गिर गया. अब आ जाए आखिर घर का टर्मिनेटर लंका डाए. मोहसिन, हमारे मौजूद गेस्ट को बुलाओ. तो खवातीनों हज़रात, कोई फिल्म में काम करता है तो कोई थिएटर पे काम करता है, कोई टीवी पे काम करता है तो कोई सोशल मीडिया पे काम करता है. और जब ये सारी खसूसियात यकजा हो जाती है किसी एक शख्सियत में, तो उन्हें हम कहते हैं हमारे आज के मेहमान, जिनका नाम है हसन मुरादर. चल सब ना डांस करके मजा ही बड़ा आया. अच्छा जी चौधरी. हाँ. मैं ते कहना वा कि वादियां होन, हाय हाय फुल खिड़े होन, हाय हाय हरी हरी कहा होवे, तू भी जो चर रहे होवे. ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਹੂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ. ਸਰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ. ਅੱਜ 250 ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਚੈਨਕ ਵੀ ਵੇਖ. ਬਈ ਚੌਧਰੀ. ਚੌਧਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਭੁੱਲ ਗਏ. ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼. ਅਮਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਗ ਚ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਹੀ ਨੀ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ. ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਾਈ ਜੋ. ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜੰਜ ਰੱਜਦੀ. ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚ ਜੰਮੂ ਪਾ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਜੰਮੂ ਪਾ ਕੇ ਕਰ? ਜੀ ਸਰ, ਗਟਕਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਬਾਹਰ. ਚੌਧਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 3-piece suit. ਦੋ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ. ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਚ ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਪਾਣਾ. ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ, ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਬਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚ, ਬਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਟਿਮ 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 ਟਿਮ, ਚੱਲ ਵੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ. ਏ ਆਊਟ.
अरे मोहसिन, हाँ जी, चौधरी ने भी एक दफा ऐसी बॉलिंग कराई थी। अच्छा? सामने वाली पार्टी ने बल्ला फेंक दिया, कल हम खेलने आए, मुजरा देखने आए। अच्छा चलो, मेरे वर्ग तो फास्ट बॉलर होंगे ना, चौधरी वर्ग ना बैट्समैन होंगे ने, खाजा सर के बैट ही जी तरीके ना फाड़ देने। पहले तो फास्ट बॉलर नसदा है ना, इन्हां दी जान ते बन जांदी। शॉट की मैं खेल दे। और ऐसे बैट्समैन कभी कैच आउट बोल्ड नहीं होते, जिस तरह से खेल रहे थे, हिट विकेट किया घर वापस। अच्छा भाई जान, जैसे ना खाजा सरा जी कुल्फियां दी रेडी को खलो के एवं तरसी जान, कोई खा रहा होगा इन्हों का मुंह नाल एवं चलन दिया होंगे। वो तो बड़े प्यार ना पूछेंगे, भाई एक कुल्फी किन्ने दी? वो कहंदा 50 रुपए दी। हाय हाय ऐ नहीं, वो जड़ी रेडी तो लकड़ वाली लगी। बंदा पूछे तू घर दी छत दा बाला पाना। हसन भाई जी, जी भाई, पब्लिक डिमांड पे आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा। कॉमेडी? अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर माहिर कानूनदान अल्लाह रखा पेप्सी नू केस दईए तुहाडा? अल्लाह रखा पेप्सी, अल्लाह रखा पेप्सी नू वकील ना कराना। क्यों? वो ते आप दाई दे हथों विगड़िया केस। कासम दा अब्बू बाहर आ सकदा है, वो मेरी जदा करेगा, मैं नहीं बाहर आना। असल भाई आपके यहाँ गैस आ रही है या दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आही दा बालन बाल रहे हो? फाके रह रहे कि गैस ही आनी। बजे की गल, गैस आ ही नहीं रही तो फिर भी बिल तारना पैंदा। पहले हुंदा सी ना धी दा विआह होना ते एक लंबा खर्चा, पैसे कट्ठे होने ते फिर धी टोरनी। जी जी जी, हुण ते हर महीने लगदा धी टोरनी पै रही है। इन्ना कु बिल मारन वाला पिछली बारी इन्ना कु बिल आया, सगा भतीजा भेज के तारे। टूटी कितों खुलदी मैं पानी? भाई चौधरी मोहसिन यकीन करो, मैं भी बिल तारने के लिए टर्मिनेटर को साथ ले गया। Really? उन्होंने इसको देख कर कहा, क्या भाई हम पुराना लोहा लड़ नहीं लेते। यार मैं भी एक बारी टर्मिनेटर नु गया, मैं कहा मेरा बिल तार दे। पैसे जेब च पा के बिल नहर च तारता। असन भाई जी, बॉस आपकी आमद पर जी जी हमने देसी बकरे दे पावे विच जी दी निब फसा के कुछ माइये लिखे ने। आए हाय, ओ मैं माइये मेरे हाथ तो आ दे हो यार। प्लेट भर के कोई वोटर याद आए, है कोई वोटर याद आए, भैया तो कई ताजा होनिया है, अज हसन मुरादा आए, है अज हसन मुरादा आए, भाई कोई जीवन दा चज माया होए, कोई जीवन दा चज माया, भाई फिल्मा भी कीतिया ने कीता थिएटर रज माया, आए कीता थिएटर रज माया, सुन के भाई फरमैश दी चिट माया, ओए परमैश दी चिट माया, पर यूट्यूब उते भी है शो एना दा हिट माया, है शो एना दा
भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, 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 बंदा है नाचीज, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, बड़ा छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन आप वही है कि मुझे यूं करके बिठा दिया आपने, लेकिन आप खुश रहिए सर, 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 सर। आपका प्रोग्राम आपका माशाल्लाह, ये सब पूरी टीम मेरी बड़ी बेस्ट विशेज है, अल्लाह पाक आपको इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आपके अदारे की, आपकी मैनेजमेंट की और आप लोगों की। अरे सर थैंक यू सो मच, आप तो वैसे भी एनर्जी का एक पैकर है, मैं तो कहते टीवी ला के बैठा, टीवी कभी उधर बज रहा होंगे मैं उन्हें फड़ रहा हूं यार, इतनी एनर्जी होंगी प्रोग्राम। और राणा साहब टीवी उत्थे पै पिया होंगे, भाभी को पै रही होंगे ने कभी सर, इससे पहले के लोगों को ये गुमान हो कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए मेरा इंटरव्यू लेने आए, आए तशरीफ रखते हैं हसन भाई। गुजरांवाला पहलवानों से मंसूब एक शहर है, लेकिन हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वहां पर मौसीकार आजम नौशाद साहब के उस्ताद चंडे खान साहब, राजेश रोशन के वालिद मोहतरम रोशन साहब, नून मीम राशिद साहब, इसके अलावा दिलदार परवेज भट्टी साहब, मुनव्वर जरीफ साहब, मस्ताना साहब, हसन भाई और भी बताएं कि कौन कौन से फनकार इस मुल्क को दिए हैं गुजरांवाला ने। खालिद बास डार साहब, अमानुल्ला साहब, अरे वाह, बब्बू बराल साहब, यार एक बार और, मस्ताना साहब, जिंदाबाद, आबद खान साहब, वाह वाह, अशरफ राही साहब, वाह वाह, सुहेल अहमद साहब, और गुजरांवाला की मट्टी इतनी जरखेज है, वो म्यूजिक से ताल्लुक हो किसी बंदे का, या आर्ट से, या एक्टिंग से, या रिटर्न से, ये भी अपने अपने अपनी फील्ड के पहलवान है सारे, रुस्तम है ये, इसलिए वो पहलवानों का शहर है। बुशरा अंसारी साहिबा और उनकी फैमिली, ये सारी गुजरांवाला के गिरदोनवा जितना, वो इमनाबाद, सबा कमर साहिबा, ठीक है, और डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, और एक और नाम लूंगा आप के लिए भी, के राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है, शो को बनाते भी है, सहाफी भी है, बहुत सारे सरवर मीर साहब, तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और बहुत सारे ऐसे फनकार हैं, मैं अब नाम लूंगा तो पूरा प्रोग्राम का वक्त निकल जाएगा, इतने नाम हैं। मैं भी कराची के शहर गुजरांवाला से हूं अरे चौधरी साहब, ये जो कराची है ना, ये तो पाकिस्तान के सर का ताज है, क्या बात, और ये इतना खूबसूरत शहर है, वैसे तो हमारा पूरा मुल्क ही, मैं कोई गुजरांवाली है, ये लाहौरिया नहीं हूँ या फैसलाबादी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हसन सर जी, आपने जिंदगी का तवील हिस्सा निगार खानों में गुजारा है। किड़े खानों में क्या समझे हैं? नहीं मैं सर निगार खानों में जी 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 इंडस्ट्री के मिजाज से आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं ना फिल्म में डेब्यू कर रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसा फिल्मी नाम दीजिए कि आते ही हिट हो जाए। ओए वाह, इंज दियां कुड़ियां ना अपने ब्याह ते अपनी अम्मी नूं चुप करा रही होंदी है अम्मी जी तुसीं क्यों रो रहे हो, रोएगा ते ओ जिहड़ा मैं लैके चलना है। पड़ोस मुल्क में तो है ना संगीता बजलानी जी, जी। आपका नाम सजेस्ट करता हूँ, हमारे मुल्क में चूंकि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपका नाम रख लेते हैं संगीता लोड शेडलानी पूरे पिंड दी नानी साथियों बैठा है सोलर पार्टी कर और बोल कौन रहा है जनरेटर देओल चौधरी मोहसिन, मेरा खानदानी नाम तो चौधरी बुलंद बख्त है और फिल्मी नाम विद्यो विनोद चौधरी और निगार खानों में मुझे प्यार से लोग रॉकी रंधावा भी कहते हैं। रंधावा रंधा फिरन वाला होया तेनू चौधरी, वैसे अगर दोनों मुल्कों में कॉपीराइट एक्ट पे एक्शन होता ना तो आप पे कम से कम 200 पर्चे होने थे। अब चौधरी अलकादर ट्रस्ट का केस भी तुम पे डालना चाहिए, तोशाखाना का भी तुम पे डालना चाहिए, अच्छा। मोहल्ले के जितने कूड़े वो भी तुम में डालना चाहिए, और तो और तुम्हें गद्दार डिक्लेयर करके मुल्क बदर कर देना चाहिए कामुकी में। चौधरी टर्मिनेटर तुम मुझे आंखें दिखा रहे और तुम मेरे डिस्टेंस कजन चौधरी कैमरॉन के करेक्टर हो। ले ज़्यादा चौधरी ते कैमरॉन नु जफे तुम कैमरॉन के कजन नहीं, तुम निदा चौधरी के कजन हो बल्कि एक डजन हो। सर जब आप थिएटर में आए होंगे तो यकीनन अमानुल्लाह खान साहब ने अलेक्जेंडर द ग्रेट बन के थिएटर को फतह कर लिया होगा। इस पे जरा रोशनी डालिए सर।
वो इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि बिल्कुल ही वो फतह हो चुका हुआ था और आज तक ये क्रेडिट उन्हीं का है। अरे ये वही थॉट ऑफ स्कूल है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आइंदा भी बहुत सारी नस्लें इसी तरह ये काम करती रहेंगी। तो मुझे भी बड़ी मुश्किल पेश आई क्योंकि कॉमेडी की पजीराई बहुत ज़्यादा होती थी, फिर इंस्पायरेशन जैसे होती है अपने सीनियर्स की जी। तो मैंने मार्क किया कि भाई कौन कौन, जैसे वसीम अब्बास साहब, अरे वाह, वो कॉमेडी करते थे, सुहेल अहमद साहब, बिल्कुल, फिर मैंने बब्बू बराल साहब को, अरे वाह। सर कथा कलामी की माफी, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुहेल साहब और बब्बू साहब आपके जूनियर्स हैं। हाँ, तो बंदा जूनियर से क्या नहीं सीख सकता, बिल्कुल सीखता है। तो इसलिए मैंने अपने जूनियर से बहुत कुछ सीखा। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा, बेहोश दिलदारा, बेजुमेदारा, होस्ट दिलदारा, हाय हाय बेजुमेदारा, मन होस्ट को लो खतरा, जवानी मेरी, जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। क्यों, मैं कौड़ी दूं आई नी बह जानी नी बुरा। मैंने अभी देखा पहली दफा भूतनी को इंसान चिमड़ा है। दो दिन में जेड़े जहाज चलते ने ओदी ये रोस्टर्स। ए छप्पड़ की जलपरी, कौन हो तुम? मैं अफ्रीकन जन्नत मिर्जा। लगता है तुमने टिकटॉक नहीं देखी। टिकटॉक देखे हैं, लेकिन टिकटॉक पे इतना डरावना मवाद नहीं देखा मैंने। अफ्रीका के जंगलों में मुझसे ज्यादा किसी के भी फॉलोवर नहीं। टिकटॉक पे नहीं, मोहल्ले में। मोहसिन, ये वही जन्नत है ना जिसके लिए कहा था हमें वोट दोगे तो जन्नत में जाओगे। इधर देखो मेरी तरफ। अल्लाह माफ करे, पैसे ऐसे की करना पैदा। कंटेंट क्या होता है आपकी वीडियोस का? मोजन भाई ने तो अडल देखा, तो शेव च धुआं निकले। अरे बताओ ना कंटेंट क्या होता है, छोड़ो। मैं मोटिवेशनल कंटेंट बनाती हूँ। बिल्कुल सही कह रही है, मोटिवेट करती है लोगों को, बताती है गुनाह मत करना वरना मेरी जैसी बच्ची पैदा होगी। अरे बताए ना, लगड़ बग्गों को कैसे घेरती हैं आप? आजा आजा लगड़ बग्गड़ है मेरा, आजा आजा मोटा मोर मेरा, जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी, जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी, तू तेरी पु, आ 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 तेरी पु, हो तेरी पु, हो तेरी पु, हो तेरी पु, हो हो हो, वाह आह हा, वाह जी वाह, रिछ ते सपनी दा मुजरा भी वेख ले। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। चल रहा है हसन भाई का कॉमेडी रिमांड। हसन भाई, ये बताएं कि सीनियर्स के साथ आपकी बड़ी दोस्तियां रही हैं हमने सुना, और आपके जो दोस्त हैं करीबी इलियास कश्मीरी साहब, उनके बारे में बड़ा फेमस है कि भाई वो बड़े दिल फेंक थे, आशिक मिजाज थे, बल्कि विलन के रूप में लड़कियां उठाने वाला सीन मुफ्त कर देते थे वो। वो शायद विलन बने इसीलिए कि मार्जिन कंडो में लगी। मेरी अक्सर उनसे मुलाकात रहती थी, उनसे उनकी शफकत, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा जी। और बहुत ही बुलंद पाया फनकार बोलना, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि अक्सर ये होता था कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के वो वाहद ऐसे फनकार हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्म की है, और अक्सर ये होता था बिजी होने की वजह से डेट्स नहीं मिलती थी। प्रोड्यूसर्स ये कहते थे ना कि भाई गाना है, जैसे कि मुजरा है, तो सारी डेट्स कैंसिल कर या लड़की को उठाना है। वो तो कई पंचायत में मुनसिफ भी बने होते थे ना।
भाई घबरानी क्यों मेरे नेड़े नेड़े आ जा ले ओए मुल्ज़म नहीं मानता तेरी पैर नु चुक ले आओ सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं बड़े बड़े मुजरे उन पे पिक्चराइज हुए हैं जैसे वो है छट मेरी वीणी ना मरोड़ अल्ताज बेगम को यूं कलाई से पकड़े हुए हैं वो अच्छा कुड़ी ने तो फड़दे से ना डायरेक्टर की डिमांड दे उत्ते हां तो छड़दे नहीं सन अपनी डिमांड दे जिदी बाप फड़ लेंदे सन ओदे इत्थे घड़ी बन जांदी और एक गाना नहीं अख लड़ी बदो बदी कोको कोला पिया दे मतलब बेशुमार गाने उनके और वो बड़े खुश मिजाज मतलब जब भी उन पे ना ट्रैक आता था ना तो खास गाने में तो ऐसी खुमारी होती थी उनकी आंखों में कि भाई हमारे पंजाबी डायरेक्टर्स ने भी ऐसे ऐसे कमाल शॉट्स दिए हैं सिनेमा को इतनी बड़ी सिनेमा स्क्रीन पे चंगेजी साहब का शॉट है दुरो दुरो अखियां मारे मुंडा पटवारी दा हुण सोचो एड्डी वड्डी स्क्रीन ते मुंह ही मुंह इंदरा ते कर रहे ने दूरों दूरों की हमारे मुंडा पटवारी था वो जस्टिफाई करते थे और दूसरा उस फिल्म में उनका करेक्टर ऐसे था वो कंटिन्यूटी थी उनकी तो वो जो बात करते थे ना ऐसे करते थे आप खुद भी तो इतनी फिल्में की हैं आपने उसमें आपने विलन का भी किरदार किया तो आपने इलियास कश्मीरी साहब की तरह कितनी लड़कियां उठाई और कितनी बार हीरो से कुट खड़ी है अच्छा सही बताऊं मोहसिन ये कोई मुंह की बात नहीं है मैं इस मामले में बहुत ही शर्मिला साहब जैसे इब्तदाई दिनों में गाना था रीमा जी के साथ तो मैडम संगीता उसकी डायरेक्टर okay. थी तो बस वो गाने में तो आपको पता है ना वो जिस तरह एक जी रोमानवी सिचुएशन होती है तो जब भी वो कोई ऐसा कोई शॉट आता था तो मेरी जान पे बन जाती थी तो फिर मैडम मुझे ना फ्लैट के पीछे ले जाके कुछ बातें समझाती ओके ओके झाड़े दे दे के क्या शफकत चीमा साहब का ये दावा दुरुस्त है कि फिल्मों में सबसे ज्यादा लड़कियां उठाने का एहसास उनको हासिल है बिल्कुल इस दौर में ये जो दौर है वो बहुत ज्यादा लेकिन मेरा ख्याल है कि अलियास कश्मीरी साहब का ये रिकॉर्ड है अच्छा ओके यानी की रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं कुड़ियां किने चुकियां ने बहुतियां भाई चीमा साहब ने तेनियां बच्चियां चुकियां ने हुण ते लोकां ने स्कूल कलण ली पिक एंड ड्रॉप लवा अच्छा आप घट चुकते सर अवारियां दी मौज लगी दो चुक लो इनू चकरा पड़ी एक फिल्म थी जग्गी साहब की उसके अंदर लड़की उसको घर दिला रही थी कि मैं आपकी बहन हूँ आखिर में जग्गी साहब कह रहे और पैन है तो की होया इनू भी चुक लो और हीरोना भी साडी एडियां मासूम सन को विलन जिसले वध रहा हुंदा सी ना ते थल्ले बैठ के ना पीछे हट रही होंगे मैं तुम उठ के दौड़ ही जाओ आप घीसियां करनिया शुरू कर उन्होंने भी मौका पूरा देना कि मिलन तो परचा हो गई हो सर वैसे ये उठाई गिरी वाला जो सीन है ये किसने सबसे बेहतर किया मजर शाह साहब ने इलियास कश्मीरी साहब ने सावन साहब असद बुखारी साहब या शफकत चीमा साहब ने मजर शाह साहब वो लगता था कि ये सचमुच कोई उठाने वाली है अच्छा सर मुझे ये बताएं कि किस हीरो से सबसे ज्यादा मार खाई है आपने और कौन सा ऐसा हीरो है जो फाइट सीन के दौरान सच्ची मुच्ची मार देता था इसमें ना शफकत चीमा साहब एक ऐसे माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे आमीन वो बहुत ज्यादा ना इस मामले में जुनूनी आदमी है उसका जुनून है मुझे एक फिल्म याद है असलाह फिल्म उसमें उनकी और मेरी ड्यूल फाइट थी उसमें वो विलन थे और मैं हीरो था और चीमा साहब ने जब मेरा गला दबोचा ना तो मेरी आप यकीन कर रहे कि मुस्लिम भाई मेरी आंखें बाहर आ गई सचमुच से उन्होंने गला तो शॉर्ट कट हुआ मैंने भी वो रिटेक ना करवाई तो मैंने कहा यार ची मैं देखते से मेरी अखा बाहर आ गई ने कहता सन जो टन लैके तेरा फेस स्क्रीन ते आएगा ना कैमरे के सामने तू अपना एक्सप्रेशन वेखी मैं खैर चुप कर गया अब मैं अगला शॉट बना कर मैं सोफे पे गिरा हूँ तो वो यू इन होते हैं तो मैं यहाँ से ना उन्हें किक मारता हूँ फुल लगी है जरा जोर से और उन्होंने राउंड लिया सच्ची मुच्ची कट नहीं करवाया फिर मैं उठा मैंने पंच मारा और वो फ्रेम से आउट हुए तो मैंने कहता भैया की कीते देख मेरा निशान पै गया मैं टर्न लैके जो तू कैमरे के सामने मुझे अपना एक्सप्रेशन देखिए चीमा साहब के बारे में मैंने ये भी सुना है वो वाकई इतने जज्बाती विलन है उन्होंने सांप नु चक मार लिया सी हाँ वो एक सांप था हाथ में पकड़ा हुआ बस उनके साथ ना उसकी जुबान के साथ यू यू करते रहे वो जहरीला है तो वो अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी एग्जैक्टली और वो हॉस्पिटलाइज भी रहे थे हसन मुराद साहब मुझे आपसे गिला है क्या आपने हर आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया मेरा इंटरव्यू क्या आपको दूर पड़ता है इंशाल्लाह अब सेशन शुरू होगा तो वो उसमें सारे फरिश्ता पे हैं वैसे भी आप जैसे खूबसूरत है ना तो नौकरी का इंटरव्यू दिया करो
इन्हीं बातों की वजह से ना आपका यूट्यूब चैनल हैक हुआ है। ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੌਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਚਿਪਸ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਹਸਨ ਭਾਈ, ਜੁਗਤ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਪੇ ਸਾਦਿਕ ਆਤਾ ਹੈ? ਮੋਸਨ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਮੇ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਹਸਨ ਸਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਮੇ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, आपको नहीं लगता कि उसके बाहर लिखकर लगा देना चाहिए सिर्फ बालिगों के लिए? हाँ, ये तो लिखना चाहिए, नीचे भी एक जुमला लिखना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखे। दुरुस्त, बिल्कुल। शायद इसी वजह से मैंने कहीं पढ़ा है कि आजकल के थिएटर को पॉन थिएटर कहा जाता है। ओ। इसी वजह से आप भी दिखाई नहीं देते उसमें? हाँ, डेफिनेटली मेरे सीने पे ये क्वेश्चन ना जैसे आरे की तरह चल रहा है। जी 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 जी। मैंने तकरीबन 25-30 साल रेगुलर स्टेज किया है, नस नस में बसा हुआ है, लेकिन अब ये है कि इस दौड़ के साथ दौड़ नहीं सके, नहीं सके। बिल्कुल अनफिट हो गए। अब अमानुल्ला साहब, मैं उन्हें कहूँगा वो पंजाब के वारिस शाह हैं ड्रामे के, क्या बात है, क्योंकि उन्होंने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। वो छोटी छोटी बातें जो हमारे बीच में ही होती थी उन्होंने स्टेज पे आके की। अमानुल्ला साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने स्टेज पे भी बेइंतहास आया और आम लाइव में भी, लेकिन मजाल है कभी भी कोई गंदी बात, कोई वल्गर बात उन्होंने की? मुनव्वर शरीफ साहब की पूरी जिंदगी छपी पड़ी हुई है, देख लीजिए, एक जुमला तक नहीं नजर आता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक सिन्फ है जुमैनी। हाँ जी, जुमैनी बात भी होती है। हमारे सीनियर जैसे अलबेला साहब इस कदर मास्टर थे, लहरी साहब जी, जी, वो इस कदर, और अदब में यूसुफी साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जी, हाँ, उनकी किताबें लिखी पड़ी हुई है, लेकिन क्या खूबसूरत जुमैनी बात करते थे, क्या हंसाते थे। सर, मैं इसको कंक्लूड करता चलूं, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दूंगा आपका। देखिए, एक तो सर ने जैसे फरमाया कि एक तो अमानुल्लाह खान साहब फरमाया करते थे कि आपका गाना जो है ना वो लोग बार बार सुन लेंगे और हर बार महसूस हो लेंगे, एक लतीफे पे दूसरी बार नहीं हंसते, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ताहिर सरवर मीर साहब जो हमारे प्रोजेक्ट हेड भी हैं, उन्होंने भी फरमाया कि मेहनत करें ना, कोशिश करें, जिस तरह से आप एक अच्छा शेर कहते हैं उसी तरह से आप एक अच्छा लतीफा भी बना सकते हैं, तो वो जो विलगैरिटी और जूमानियत के बीच का एक रास्ता है ना, वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ रहनी चाहिए, वो हम ही इस मुआशरे को देंगे और आप जैसे आर्टिस्ट ही देंगे डेफिनेटली। जैसे हसन भाई ने अभी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का भी जिक्र किया, तो उर्दू अदब में इससे अच्छा मजा मेरी बसारत से नहीं गुजरा, और वो ये है कि लाहौर की कुछ गलियां इतनी तंग हैं कि एक तरफ से औरत आ रही हो और दूसरी तरफ से मर्द, तो उनके दरमियान सिर्फ निकाह की गुंजाइश बाकी बचती है। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। आया लड़िए आज बहुत बड़े स्टार आए हैं। ओए नमस्कार, धन्यवाद। पिधारिए पिधारिए। एक उन्हें 100 साल का सन्यासी लाड़ा। एक और इस दूल्हे से वैसे बड़ा तंग हूं यार। भैया, उस लीचड़ बिल्ली से भी ज्यादा लीचड़ है कि जिसको बोरी में डाल के दूर छोड़ के फिर वापस आ जाती है। आज क्यों भाग गए आप शादी से? आज मैं कोई आम और रफ दूल्हा नहीं हूँ। फिर आज मैं सियासी दूल्हा हूँ। बैठो बैठो बैठो, सुनो। बैठो बैठो बैठो, लेजा डालना। सियासी दूल्हा कैसे? मुझे शादी का झांसा देकर मेरे तबूत में आखिरी किल ठक 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 ठोका जा रहा था, ना तो मेरी इद्दत यानी मेरी मुद्दत पूरी करने दी और ना ही मेरी मुद्दत है। समझ गए? अरे शादी तो होने देते यार, क्यों भागा आप? क्या फायदा ऐसी शादी का जब मेरे पास कोई अख्तियार है ही नहीं। क्या चाहते क्या है आप? मैंने कुछ मुतालबात उनके आगे रखे थे, मेरे मुतालबात पूरे नहीं किए गए। कैसे मुतालबात? दरअसल मैं दो तहाई अक्सरियत वाला दूल्हा बनना चाहता था, मगर मुझे कमजोर दूल्हा बना दिया गया है। ये कहानी सुनी सुनी लग रही है मुझे बड़ी। यही कहानी आजकल मौजूए गुफ्तगू है। हसन भाई,
आपकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी हिरवनों ने शादी नहीं की, किसी हिरवन का हाथ पीला करवा दे और मेरा मुंह काला यानी मेरा मुंह खूबसूरत बना दीजिए। शादी करनी है तो बंदे का विआह होंगे ना, इन्हें तो मुबारक दी जिधर विआह होंगे उधर लोग अफसोस वास्ते जाते। कॉमेडी और इमोशनल सीन्स तो आपने कर लिए, अब आपके साथ हम करेंगे कुछ एक्शन सीन सर। ओहो, क्या आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार। ओके सर, थिएटर के फेवरेट सीनियर तारिक जावेद साहब या फिर हाजी अलबेला साहब? सर रैपिड फायर है सर, यू हैव टू बी क्विक। हाजी अलबेला साहब। सर मैडम संगीता जी या फिर मैडम शमीम आरा जी? मैडम संगीता। सर फेवरेट डांसर रीमा जी या फिर नरगिस? ले क्यूटी फायदा सर देखो। आपने पूछा फेवरेट, इन दोनों में से बेहतर नहीं पूछा। हाँ, मैंने फेवरेट पूछा। फेवरेट नरगिस। अच्छा हाँ? फेवरेट तो होगी नरगिस, बेहतर कौन है? बेहतर भी नरगिस है। वो मैं भला थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि रीमा जी बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन मैं थोड़ा सा दो फ्रेम उनसे पीछे हूँ समझ के मामले में। अच्छा। वो इतनी फास्ट डिलीवर करती हैं कि मेरी अप्रोच ना, इनमें थोड़ा सा तहम्मुल है, ये फेस से ना एक्सप्रेशन से काम लेती हैं। यार चौधरी मोहसिन, चौधरी हसन मुराद तो तू इंज पूछ रहे हैं जिमें सितारा देवी दे मंजले बैठे ने। पूछ असल जागीरदार और असल फनकार तो। ये नो पूछ लो वो जाविया जनाने दे मामे नो। मैं चौधरी हसन उधर वे हाविया दी बेटी जाविया। चौधरी वेखो जे क्रिसमस दा गुबारा। सर किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान साहब या फिर उमर शरीफ साहब? ताश की गड्डी में कितने किंग होते हैं? चार। तुम पाकिस्तान में दो किंग हैं, एक पंजाबी का और एक उर्दू का। भाई वाह बिल्कुल ठीक। सर सुहेल अहमद साहब या आफताब इकबाल साहब? आए पूरी कड़ी। भाई एंकर जो है, जो जहाँ तक एक एंकर होने का ताल्लुक है वो आफताब इकबाल साहब है, जहाँ तक फनकार होने का ताल्लुक है जो रुस्तम है, मैं तो उन्हें रुस्तम जमा के अब बात है वो सुहेल अहमद सर। हम सब मानते हैं सर। नूर जहां जी या फिर लता जी? लता जी कहती थी कि दीदी नूर जहां बेहतर है, मैं तो जसारत नहीं कर सकता, ये लता जी कहती थी। क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया। सर फिल्मी किंग ऑफ कॉमेडी महमूद साहब या फिर मुनव्वर जरीफ साहब? मुनव्वर साहब अपना कंटेंट ना खुद बोलते थे बिल्कुल, और आपने कॉमेडियन का पूछा तो मुनव्वर जरीफ साहब बहुत बड़े कॉमेडियन। सर बेहतरीन डायलॉग राइटर सर नासिर अदीब साहब? बारा गंडा से डंडम 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 तेरे बगैर चट हजार रह गया सी। हजे अद्धा जाट ए आलू पालो पूरा पिंड रजता है। सर या फिर सौरभ गुप्ता, आज के बाद एक खरोच भी आई तो दुनिया जला दूंगा पापा? नासिर अदीब साहब। वाह वाह, जिमें उन्होंने कहा ना कि मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, इस तरह ही नासिर साहब का डायलॉग नहीं जे मरदा जी जी जी, सदियों तक जिंदा रहेगा। किस एक्टर के रिवेंज फुल डायलॉग्स ने तासुर कायम किया, सुल्तान राही साहब या फिर धर्मेंद्रा? धर्मेंद्र साहब की जुबानी मैंने नासिर अदीब साहब के घर, ये ऑफ द रिकॉर्ड वो उनकी एक मुलाकाती फिल्म लिखवाने आए थे, उन्होंने ये धर्मेंद्र साहब ने कहा था कि सुल्तान राही वर्गा मां ने पुत्र नहीं जम। भाई वाह, सुल्तान राही साहब, लाला सुधीर और मोहम्मद अली साहब, ये वो लोग थे कि इनसे कैमरा घबराता था वही बात जब ये इमोशनल डायलॉग बोलते थे, जैसे कि मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा पेड़ा। कहां पिद्दी और कहां पिद्दी का शोर, सांस टूट गया मेरा अल्लाह अकबर कि वो आखिरी काले को छू जाते थे। सर मैं अब कुछ अधूरे गीत छेड़ूंगी और आपने उनको मुकम्मल करना है, लेकिन मेरी वोकैबुलरी बहुत खराब है तो सर मेरी मदद करेंगे जी, ठीक है? सर इनकी भी मदद करेंगे। यस सर इनकी भी मदद करेंगे। सर पहला गीत है आंखों में तस्वीर है जैसे, तू मेरी तकदीर है जैसे,
उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे, ख्वाबों ख्वाबों तू मिले, ना जाने क्या है सिलसिले, पलकों पर है प्यार के, पलकों पर ये प्यार के ना जाने कितने गुल खिले। यस, तेरे ख्वाब सजाते रहना है मेरा काम। सर, नुसरत फतेह अली खान साहब की कंपोजिशन है सर। और बॉबी देओल ने फिल्माया गया है। हुए हुए। ऐश्वर्या राय भी है। अच्छा, एडिक्शन है जरा, स्टाइल लग रहा है ना, लगता किसी ने चिट्टा पजामा पा के लिखे है। जावेद अख्तर साहब, बिल्कुल मेरी सांसों में छुपा, चले बसा है, ठीक है। हाँ, मेरी बसा है, मान लिया मान लिया मान लिया, बहुत शुक्रिया। आंखों में तस्वीर है जैसे, तू मेरी तकदीर है जैसे, इस दिल से उस दिल तक जाती धड़कन की जंजीर है जैसे, ख्वाबों ख्वाबों तू मिले, न जाने क्या है सिलसिले, पलकों पर ये प्यार के, न जाने कितने गुल खिले, तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मोहसिन नारायण साहब, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, अरे अल्लाह खैर, इतना मीठा गाना दो दफा गाओ शुगर हो जाए। मैं कहता तेरी नानी दा की हाल है, जिन्हों हुक्के दी नड़ी चो भूंड लड़िया सी। अरे नानी होती नहीं हर तवीज लिखने वाली। पॉलिटिकल सटायर। ओके सर, अगला गीत है, जले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना, संग तेरे मैं भाग जाऊं, नजर किसी को भी ना आऊं, लोग दिल वालों से यार जलते हैं, कैसे बताऊं क्या क्या चालें चलते हैं। ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया, करिश्मा कपूर और गोविंदा पे ये पिक्चराइज हुआ है। अरे वाह। और इसमें गोविंदा लड़का है और करिश्मा लड़की है। क्या बात है। और ये भी हिंट देता चलूं, कभी बेलपुरी खाई हो आपने? हाँ यार, एक्चुअली जो गोविंदा और करिश्मा के गाने हैं ना, ये मैं सुनता कम हूँ देखता ज्यादा हूँ, तो इसलिए उनके एक्शन तो मुझे याद आ रहे हैं। इससे मिलता जुलता एक और गीत है। हाँ, ये तो आप रवीना वाला गा रहे थे। अच्छा अच्छा, वो आपके गेस करने पे अगर किसी को मिर्ची लग जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? मिर्ची लगी तो रस्ते से जा रहा था, ओ मैं तो भेलपुरी खा रहा था, ओ मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, रास्ते से ओ मैं तो रास्ते से जा, हाय हाय रास्ते से, उफ मैं रास्ते से, हाय ओ रब्बा रास्ते से, ओ मैं तो रास्ते से जा रहा था, ओ मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं 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 क्या करूं, सर बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी, बहुत अच्छा लगा और बड़ा गर्म शो हुआ है बड़े चिराग बाद। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आपका शुक्रिया, आपके प्रोजेक्ट हेड का शुक्रिया सर भाई।
सर अब जाते जाते हैप्पी रोस्टिंग हमारा एक सेगमेंट है, एक एक जुमला हम सब के शाया निशान अता कीजिए सर। सबसे पहले नोशा मियां, ऐंदे बंदे सुते पे पियो दी जेब चो पैसे काट लंदे। और अगली बारी है अल्लाह रखा साहब की। अच्छा आम बंदा तो अपनी सालगिरह ते केक कटदा है, ये अपनी सालगिरह ते टायर नु अग लांदा है। फिर अनाउंस करदा थोड़ा थोड़ा स्मोक प्लेट में रख के सबको दी। अगली बारी शहरी नन्ना, पासा ले गए अपने भतीजे नु फेंकता। अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब। आ रिश्ता लैन गए, उन्होंने कहा कुड़ी पढ़ रही है, कहते चलो कोई बात नहीं मैं आधे घंटे बाद आ जाता। मौसम भाई ते वैसे ही मैं इन्हां दा बहुत वाकई रियली बहुत फैन है। माशाल्लाह कमाल करदे ने। फैन किस गल दा? किस गल? खंबा भावे जिड्डा मर्जी लंबा होवे, इक सैकंड च उत्तों फसी पतंग ला लैंदे।